मौजूदा टेस्ट कप्तान और धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली बेशक लोकप्रियता के मामले में इस समय बाकी भारतीय क्रिकेटरों से काफी आगे हों, लेकिन क्रिकेट फैंस ने अपनी ऑल टाइम ड्रीम टीम में उन्हें जगह नहीं दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के 500वें टेस्ट का जश्न मनाने के लिए क्रिकेट फैंस को सोशल मीडिया पर भारत की ड्रीम टीम चुनने का मौका दिया। भारत का 500वां टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क में सोमवार को खत्म हुआ, जिसे भारत ने न्यूजीलैंड को 197 रन से हराकर जीता। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के फेसबुक पेज पर सर्वेक्षण सीरीज शुरू की थी, जिस पर क्रिकेट फैंस को हर ऑर्डर के लिए दिए गए खिलाड़ियों में से अपनी पसंद के खिलाड़ी को वोट देने का मौका दिया गया। फैंस ने सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग को ड्रीम टीम की ओपनिंग जोड़ी चुना। वहीं तीसरे नंबर के बल्लेबाज के रूप में फैंस ने राहुल द्रविड़ को वोट किया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को फैंस ने इस टीम में चौथे नंबर पर जगह दी और वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण को पांचवा स्थान दिया गया। मौजूदा वक्त में इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली हैं, लेकिन फैंस की ड्रीम टीम में विराट कोहली को जगह तक नहीं मिली। फैंस ने महेंद्र सिंह धोनी को ही इस टीम का कप्तान चुना। साथ ही कपिल देव, आर अश्विन, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ और जहीर खान को भी इस ड्रीम टीम के लिए चुना गया है। और सबसे हैरतअंगेज फैसला करते हुए फैंस ने युवराज सिंह को इस टीम का 12वां खिलाड़ी चुना है, जबकि युवराज को चंदू बोर्डे, हेमू अधिकारी, मंसूर अली खान पटौदी और एकनाथ सोलकर से कड़ी टक्कर मिली। NMF न्यूज की रिपोर्ट।